ऊना में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की नवज टटोलने आई। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रंजनी पाटिल ने आगामी लोकसभा चुनावों में प्रदेश की चारों सीटें कांग्रेस की झोली में जाने का दावा किया। पार्टी उम्मीदवार तय करने से पहले कांग्रेस में अपने कार्यकर्ताओं के मन को वे भांपना चाहती थी। इसी कड़ी में ये कार्यकर्ता सम्मेलन ऊना में आयोजित किया गया, जिसमें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सभी जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष के अलावा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने दावा किया कि हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर को हराने के लिए कांग्रेस विचारधारा ही काफी है और इस सीट से किसी दिग्गज नेता की जरूरत नहीं है। हालांकि इसके लिए बाहरी व्यक्ति को टिकट देने की संभावना से भी उन्होंने इनकार नहीं किया। नहीं, हम यही कहना चाहते हैं कि अभी बिल्कुल बच चुका है, सभी फाइनल होने जा रहे हैं 8-10 दिन में 5 राज्यों में, और ये गेम चेंजर होगा हमारे आने वाले लोकसभा के चुनाव में 2019 के। और हमारी पार्टी इस हिमाचल में जो हमारा 0-4 था वो 4-0 करने का हमारा निश्चय है और वो करके दिखाएंगे। और उसी के लिए हम सब लोगों से बात करके उनके सबके मन की बात हम हाईकमान तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे आए। तो मैडम, बैठक में क्या पार्टी जो उम्मीदवारों के नामों पर भी नहीं, हम पर्टिकुलरली लोगों के मन में क्या है, हमारी लास्ट टाइम हमें क्यों हार झेलनी पड़ी, और लोगों के मन में जो भावना है, हमेशा हम ही भाषण करते हैं, यहाँ आके भाषण नहीं करेंगे, हम लोगों की भाषा सुनेंगे इस बार। क्या कांग्रेस के पास कोई ऐसा दिग्गज नेता नहीं है जो अनुराग ठाकुर को हरा सके, आखिर कमी कहाँ है? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसे दिग्गज नेता की आवश्यकता भी नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही उनको हराएगी और वो निश्चित है, उनकी हार इस बार निश्चित है। मैम, जिस तरीके की जो चुनाव हो रहे हैं स्टेटों में, अदर स्टेट्स में, वहाँ जो रिवायत चल रही है एक पार्टी से दूसरी पार्टी के में आकर के टिकट देने की, क्या कुछ ऐसा लोकसभा में भी देखा जा सकता है? नहीं, मालूम नहीं कैसे करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस ने हमेशा अपनी गति से और अपने विचारधारा से आगे चली है, उसी से हम चले जाएंगे। जो बीजेपी वाले बात कर रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत की, अगर पूछा जाए तो बहुत सारे कांग्रेस के जो 176 लोग जो चुन के आए हैं लोकसभा में, वो कांग्रेस ही है। कांग्रेस लोगों को तोड़ तोड़ के वो लेते हैं और बीजेपी ही पूरा कांग्रेस युक्त कर दिया है उन्होंने। अदर स्टेट में कांग्रेस उसी परंपरा पर चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि हर परिस्थिति के अनुसार निर्णय कभी कभी लेने होते हैं, उन्होंने लिए इस बात की संभावना हो सकती है, मालूम नहीं अभी। हम इस वेरी प्रीमैच्योर टू से अबाउट दिस, बहुत बहुत जल्दी। इस दौरान पूर्व विधायक बंबर ठाकुर को लोकसभा टिकट दिए जाने को लेकर उनके समर्थकों ने नारेबाजी भी की। कार्यकर्ता उनके समर्थन में नारेबाजी करते हुए सम्मेलन कक्ष में जा पहुंचे, जिसके बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुखू का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और उन्होंने नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं को जमकर फटकार भी लगाई। सुखू ने उन्हें न केवल मर्यादा में रहने के निर्देश दिए बल्कि यहां तक भी कह डाला कि ऐसा प्रदर्शनों और अधिवेशनों में पार्टी टिकट नहीं दिए जाते हैं। ये अधिवेशन है, ये कोई, इस अधिवेशन में हम और मैडम यहां आई है वो आप सबके विचार सुनेंगे, और ये जो अधिवेशन है यहां टिकटे नहीं मिलने वाली, कांग्रेस की परंपरा को आप अच्छी तरह जानते हैं। आपकी नवज टटोलने के लिए जो डॉक्टर होता है ना, नवज देख के बोल देता है कि तबीयत ठीक नहीं है या तबीयत ठीक है, और ये तबीयत ठीक देखने और नहीं देखने वाली बात